जय माता रानी। नवरात्रे के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इनका मंत्र है दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिणीय नुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्वा तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडलु रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये जब हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटे गिरे बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों यानी कि पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी। ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर के घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक कवन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से मनुष्य में तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन भक्त माँ के इस विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं और भक्तों को माता प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करती है। जो भी साधक या भक्त माता की आराधना भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें कभी भी जीवन में भटकाव नहीं आता है। यानी कि उपासक सन्मार्ग की ओर सदैव बढ़ते हुए जाते हैं। जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्यों का पालन बिना विचलित हुए करते हैं। तो इस प्रकार से माता के पूजन से दीर्घायु भी प्राप्त होती है और माता की पूजा अर्चना करने से मनोकूल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का और कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित किया जाता है तथा चीनी का, मिश्री का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। प्रसाद भेंट करने और आचमन करने के पश्चात पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद घी व कपूर मिला करके आरती करें। इनकी प्रसन्नता के लिए खुशबूदार तेल की शीशी कन्याओं को अवश्य रूप से देनी चाहिए। अंत में माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कथा का ये वीडियो आपको अच्छा ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।